बुलडोजर एक्शन अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह एक्शन धीरे धीरे देश के कई राज्यों में भी शुरू हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों ने अपराध करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ज्यादातर ये कार्रवाई बीजेपी शासित प्रदेशों में ही देखने को मिली, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने समर्थन, लेकिन विपक्ष शुरू से ही इस कार्रवाई का विरोध करता हुआ नजर आया। बात इतनी बड़ी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है, एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते हैं, जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही है वो हमें प्रभावित नहीं करती, हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जता चुका है। गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा था कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने यह अपराध किया है, यह तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही पर बड़ा फैसला सुना दिया है।